हरे कृष्ण। आवाज नहीं खिल रहा है। राधे 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 ठीक है। जूम करिए और इसको ठीक है। पहले फादर जी को पहना दीजिए फिर आप मुझे पहना। कैमरा मुख बीच में रखिए तो कैसे गाएंगे उस पे? क्या उसको माइक के मुख के पास रखिए दोनों एक माइक उसको और बोलिए दे चलेगा चलिए स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा हरे वाहे राधे राधे हरे वाहे। जय राधा माँ
जय राम श्री राम जय
राजा दशरथ नंदन राजा दशरथ नंदन राजा दशरथ नंदन राजा कौशल्य नंदन राजा कौशल्य नंदन राजा नंदन राजा राम राजा राम सीता के पति राजा राम सीता के पति राजा राम सीता के पति राजा राम तुलसी यमुना शाली राम तुलसी यमुना शाली राम तुलसी यमुना शाली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा
लक्ष्मण भट्ट हनुमान सीता राम लक्ष्मण भट्ट हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल यो धर्मराज हरि नाम संकीर्तन की जय श्री रामायण की जय रामचंद्र की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा आराध्यो भगवान व्रजेश पाशना ब्रजवधू व्रगेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाण मम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे न पर तत्रादरे न पर लोका रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे श्रिया राममय शब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जोग पानी मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर्युद्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बुद्धेन तनुजानिकेशुमिरो पवनकुमार बलबुद्धिविद्या देहुमोहे हरिहु क्लेश विकार श्रीगुरुचरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुदा वर्ण रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नाम
ब्राह्मणे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य दिशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे सभी लोग दोनों हाथ जोड़ के बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप लोग चेयर लेके इधर आ जाइए सामने, ऐसे साइड में बैठना ठीक बात नहीं, सामने सभी जितने पूजी लोग इधर बैठे हुए हैं सभी लोग आ जाइए सामने, इधर लगाइए अथवा इधर लगाइए। कोई व्यक्ति इधर नहीं बैठेंगे, आप लोग भी बाइक लेके उधर ही जाकर के बैठिए। यस, उधर भी बैठ सकते हैं, साइड में बैठ सकते हैं, वहां भी कोई दिक्कत नहीं पड़ने से वहां बैठ सकते हैं। तो और कृपया आवाज नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे, ठीक है? सब लोग शांति से बैठ जाइए, बातें हम लोग घर पे भी करते हैं, यहाँ पे भगवान के विषय में कुछ सुनने के लिए आए हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर हम कान बंद रखेंगे तो ये हमारे कान में घुस जाएगा, अगर हम मुख चालू रखेंगे तो कान हमारा बंद रहेगा। मुख बंद रखें और ध्यान पूर्वक कथा सुने। बहुत कम लोग हैं और इतने लोगों में वॉलंटियर्स मेरे ख्याल से अधिक हैं, कृपया ध्यान रखिए कि आवाज ना हो, ठीक है? ध्यान दीजिए, मैं आपको एक शुरू में ही बात चेतावनी दे दूं कि राम कथा भगवत कथा कैसा है, समुद्र के समान है। कैसा है? समुद्र के समान। अब इसको सात दिन में सुनना, नौ दिन में सुनना कैसा है? जैसे उस समुद्र को एक डिबिया में समाया जाए, क्या संभव है? नहीं संभव है। लेकिन फिर भी मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आने वाले सात दिनों तक आप बहुत ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे तो इतना तो समझ जाएंगे कि भगवान श्री रामचंद्र हैं कौन और उनकी कथा हमें क्यों श्रवण करनी चाहिए, ठीक है? सो कृपया शांति बनाए रखें और एकदम ध्यान पूर्वक कथा सुनने का प्रयास करें। वरुण जी ध्यान रखें कि जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स की जरूरत तो है नहीं, कुछ बहुत कम श्रोता हैं, लेकिन जो भी हो थोड़ा ध्यान रखें, स्पेशली बच्चों के द्वारा। तो आप सभी भक्तों का इस राम कथा के प्रथम दिवस में हार्दिक इस पे स्वागत करें। एक कीटा रख देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो
आप सभी का हम लोग स्वागत करते हैं परम सौभाग्य से विभूषित रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य के ऊपर बैठ करके शुभ उपलक्ष्य में बैठकर हम सभी भक्त भगवान के दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप लोग के लिए बंद हो क्या आवाज कर रहा है इतना? मैं बोलूं या ये बोलेंगे? पर ध्यान दीजिए, साउंड सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो फिर क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग 8 बजे आए हैं, 5 बजे से आप लोग बैठे हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिए, इसका ध्यान रखिए कि कहाँ से आवाज आ रही है। अभी भी आवाज कर रही है, ठीक है। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भगवान श्री रामचंद्र के कथा का श्रवण करने के प्रति मोबाइल से नहीं होगा प्रभु जी, माइक बंद कर दीजिए, देख लीजिए उसका टाइम, माइक से आवाज आ रही है आपकी? ना ना माइक करता जो हिलता है। माइक बंद रखिए, अगर हो गया तो हम शुरू करें, ठीक है? ध्यान रखिए घर से। तो उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सभी भक्तों का इस राम कथा के प्रथम दिवस में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। आज यह गांव का क्या नाम है? मनियापुर, मनियारपुर। अच्छा, इसमें भी अगर देखा जाए, आज इस मनियारपुर गांव के निवासियों का भाग्य उदित हो चुका है। क्या हुआ है? भाग्य उदित हो चुका है, तब जाकर के आज यह राम कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब किसी भक्त के, किसी व्यक्ति के जीवन के बहुत सारे, है ना, बहुत सारे स्वीकृति जमा होती है, तब जाकर के कोई व्यक्ति भगवान के कथा का श्रवण कर सकता है। ऐसे दिव्य भगवान श्री रामचंद्र की कथा का श्रवण आज से हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगर अनुमोदन किया जाए तो हम लोग ऑलरेडी विलंब हो चुके हैं, लेट हो चुके हैं। अगर अनुमोदन किया जाए तो काफी समय लग जाएगा। जितने भी उपस्थित भक्त हैं, गांव के पुरोहित, अन्य सभी सज्जन, बड़े सभी जो आगंतुक हैं, सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग राम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, और आप लोग कंफ्यूज ना हुएं, विस्मित ना हुएं, इसके लिए मैं पहले ही बताऊं कि हम लोग राम कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस और ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण,
तीनों से लेकर के यहाँ पे कथा की जाएगी। और मैं सर्वप्रथम यह स्वीकार करता हूँ कि देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई ऋषि नहीं, एक साधक हूँ, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने आप को साधने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद से, श्रीमद् भागवत महापुराण से, रामायण से, रामचरितमानस से, अन्य आचार्यों से हमने जो सुना है, जो कुछ पढ़ा है, वही मैं यहाँ पर रखने का प्रयास करूँगा। ध्यान दीजिए कि हमारे संस्था का एक नियम है कि हम लोग खुद से कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग खुद से कुछ नहीं बोलते कि भाई कुछ बना करके बोला जाए, ऐसा नियम नहीं है। क्यों? मुंडे मुंडे मति भिन्ना, इनकी मुंडी कुछ और कहे, हमारी मुंडी कुछ और, इनकी मुंडी कुछ और। तो इस प्रकार से व्यक्ति जगत के लोग क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। और सबकी मति की जो मुंडी की जो मति है ना, वो बदलते रहते हैं। लेकिन जो भगवान ने एक बार कह दिया, जो भगवान ने एक बार कर दिया, जो लीला कर दी, वह बदलती नहीं है। भगवान की बात कभी बदली नहीं, आज तक कभी नहीं बदली। आपने कभी सुना रामायण 2.0? नहीं सुना होगा। लेकिन न्यूटन लॉ 1, 2, 3 वो खुद फिक्स नहीं है, है ना, अधूरा है। लेकिन भगवान का ज्ञान, भगवान का ग्रंथ क्या है? पूर्ण है। एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी अंग्रेजी में, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 हैबिट्स को क्या कहेंगे इसमें? अभ्यास, जो हाईली फैंसी मतलब जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके 7 अभ्यास। तो मुझे याद है वो NIT किसी NIT कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे और भाषण दे रहे थे, और बताते हैं कि मालूम है मेरी बुक सबसे अधिक इंडिया में क्यों बिकी? क्यों बिकी मेरी बुक सबसे अधिक इंडिया में क्यों बिकी? क्या कहते हैं मालूम? क्योंकि यहाँ के लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, यहाँ के लोग रामायण, यहाँ के लोग भागवत नहीं पढ़ते। अरे यहाँ के लोग पागल हैं, मैंने इनके ही ग्रंथों से ये 7 हैबिट चुराया और अपने बुक में लिख दिया, और ये लोग मेरे बुक को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। चुराया कहाँ से? चुराया भगवत गीता से चुराया, और उसको मेरे बुक में रख दिया, 500 रुपए में खरीद रहे हैं, लाइन लगा लगा के खरीद रहे हैं। और भगवत गीता जिसमें भगवान पहले ही बोल करके चले गए, अभी तक खरीदे नहीं। कितने लोगों के पास यहाँ भगवत गीता है आप बता सकते हैं? कितने लोगों के पास है? ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। पढ़ते कितने लोग हैं? 1-2 गिनना, मतलब गिनती हो जाएगी इतने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक ठीक, फिर भी ठीक है, इतने लोग तो पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् रामायण की ओर बढ़े, जहां पर भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण है। किसी भी कथा को श्रवण करने से पहले श्रद्धा अपेक्षित होती है कि उसके प्रति श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर श्रवण का कोई फल नहीं होगा। और आप लोग मछली बाजार नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कृपया आवाज नहीं करेंगे प्लीज। जाना हो तो जा सकते हैं। तो श्रद्धा अपेक्षित है,
अगर श्रद्धा नहीं होगी तो पूर्ण फल जो है हमें कथा का नहीं मिलेगा। और श्रद्धा बनती है जब हम किसी चीज की महिमा सुनते हैं तब, अन्यथा श्रद्धा नहीं बनती है। इसलिए आप सबों से श्रद्धा अपेक्षित है, और श्रद्धा से पहले हमें चाहिए कि हम इसके महात्म्य का श्रवण करें। अगर महात्म्य सुनेंगे तो श्रद्धा निश्चित रूप से बनेगी। तो श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि रामायण के प्रारंभ में लिखते हैं कि भारतवर्ष के महान 88,000 ऋषि मुनि जब नैमिषारण्य में एकत्रित होकर सुत गोस्वामी से प्रश्न किए, निवेदन किए, उन्होंने कहा कि हे धीमन, आप वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों में एवं उपनिषदों की व्याख्या करने में प्रवीण हैं, निपुण हैं, है ना? अतः हे सुत गोस्वामी जी महाराज, कृपया करके आप हमें बताइए कि यदि कलयुग में समस्त दुखों से मुक्त होना है, सुनिएगा, ये हमारे वचन नहीं है, किनके वचन हैं? 88,000 ऋषि मुनि भारत के ये पूछ रहे हैं, किनसे? सुत गोस्वामी के। क्या पूछ रहे हैं? कि कलयुग के दोषों से अगर मुक्त होनी है, समस्त दुखों से मुक्त होना है, तो कलयुग के जीवों को क्या करना होगा? हे ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ सुत गोस्वामी, आप बड़े बुद्धिमान हो। हे महाराज, संसार पाश्य बद्धाणा, बिठा दीजिए। देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, आगे खाली है और माता जी लोग आके बैठ, ध्यान रखिए। कुछ लोग उधर रहिए जो इनको बिठाने का कार्य करें। तो कहते हैं संसार पाश्य बद्धाणा, इस संसार में सभी लोग बंधे हुए हैं, और उस पास से, उस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आप बताइए। आप हमें ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसी कथा सुनाइए, कुछ ऐसा प्रसंग सुनाइए, कुछ ऐसा तत्व सुनाइए जिससे व्यक्ति कलयुग में सारे पापों से मुक्त हो जाए, और अधिक किसी के हृदय में कलयुग प्रवेश कर चुका हो तो उनके हृदय से कलयुग बाहर निकल जाए। हे महाराज, कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे समस्त देवी देवता प्रसन्न हो जाए। हे महाराज, कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे समस्त जीव जंतु प्रसन्न हो जाए। हे महाराज, कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे समस्त जगत क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो कहते हैं श्री शुत वाच रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतः सर्वपापपरशमनं सर्वपापपरशमनं दृष्टद्रीह निवारणम् दृष्टद्रीह निवारणम्। हे ऋषि मुनियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर जिज्ञासा की। अब देखिए क्या कह रहे हैं। हे ऋषि मुनियों, आपने बहुत सुंदर जिज्ञासा की है, और इस जिज्ञासा से केवल आपका ही कल्याण नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? केवल आपका कल्याण नहीं होगा, आपके साथ साथ कलयुग में आने वाली सभी जनता का उद्धार होगा। अतः कलयुग के समस्त दोषों से मुक्त कराने वाली और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली मैं पवित्र दिव्य कथा का आपको श्रवण कराऊंगा। तो कहते हैं कि ऐसी 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 कथा है क्या जिससे इतना कुछ मिल जाए?
तो कहते हैं रामायणम महाकाव्यम। कलयुग के दोषों से मुक्त होने वाली, मुक्त कराने वाली एकमात्र कथा है। कौन सी बताइए आप लोग? देखिए हमारे कथा का ये रूल है कि मैं अकेला नहीं बोलता, थोड़ा श्रोता का भी आदान प्रदान होना चाहिए। बताइए कौन सी कथा है? आवाज नहीं आ रही है। एक व्यक्ति बोल रहे हैं कि आप लोग सबको लगता है कौन सी कथा है? जोर से पीछे से आवाज आने चाहिए, कौन सी? थोड़ा सा ही बार और जोर से, ताकि सबको पता चले ना कौन सी कथा है। राम कथा, रामायण। ये रामायण जो है ना बहुत सुंदर, और गद्य नहीं है पद्य है, बहुत सुंदर, इसको गाया जा सकता है। हम लोग गा गा के सुने। सर्व वेदेषु सम्मतम, और वेदों का ही क्या है, एक हिस्सा है, और वेद के द्वारा क्या है, सम्मत है, सहमति प्रदान की गई है। रामायण एक परम पवित्र श्रेष्ठ इतिहास है। यदि कोई एक बार भी ऐसी राम कथा का श्रवण कर लेता है तो कहते हैं उसकी जागृत की बात तो दूर रही, उसे स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं होता है। बहुत अद्भुत है राम कथा। और कहते हैं जहां पर यह कथा होती है, भगवान श्री राम की कथा होती है, राम कथा होती है, वह स्थान अस्थान नहीं रह जाता, वह स्थान तीर्थ स्थान में बदल जाता है। तो आज से यह गांव गांव नहीं रह गया, यह एक तीर्थ स्थान के रूप में बदल गया। यहाँ जो जो भी आएंगे वह पवित्र हो जाएंगे। सभी जहां पर भी यह भगवान की कथा होती है, राम कथा होती है, अथवा राम कथा होने वाली होती है, जहां पे निश्चित हो जाता है कि भाई फलाने तारीख से यहाँ पर कथा होने वाली है, जैसे वरुण प्रभु ने आज से लगभग एक आध महीने पहले ही डिसीजन ले लिया था कि 4 तारीख से 10 तारीख तक कथा होगी, तो ध्यान रखिए उसी समय सभी देवी देवताओं के कान खड़े हो गए, सभी देवी देवताओं के, भोलेनाथ, बजरंग बली, ये सबके कान खड़े होंगे। अरे कब आ रहा है 4 अप्रैल, कब से है मणियापुर में कथा, चलेंगे हम लोग कथा सुनने के लिए, है ना। हनुमान जी यहीं कहीं बैठे होंगे, ध्यान रखना कहीं आपके बाजू में बैठे हो, इसलिए संभल करके ज्यादा बात भी मत करना, क्योंकि हनुमान जी को राम कथा सुनने में डिस्टर्बेंस हो गई ना तो धड़ाम से गद्दा देंगे, और ये गद्दा दिए ना तो फिर उठ नहीं पाएंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक राम कथा सुनिएगा। ऐसे भगवान राम का आशीर्वाद है हनुमान जी को। जब भगवान श्री रामचंद्र इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम में जा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज हमें भी दे दीजिए, प्रभु हमें दे दीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं हनुमान, अभी तुम्हें यहीं रहना है, और क्या करना है, मेरी भक्ति का प्रचार करना है, यहाँ रहना है, कलयुग के जीवों का उद्धार करना है। तो उस समय कहा प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर राम जी भी विराजमान है, इसके कौन कौन बोल रहे हैं? राम जी स्वयं बोल रहे हैं रामायण हनुमान जी को। क्या बोल रहे हैं कि हनुमान मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, लेकिन हनुमंत मैं अगर सच कहूं तो जहां जहां भी आज के बाद मेरी कथा होगी, जहां राम कथा होगी, वहां तुम्हें मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त होगा। तब तक तो कुछ लोगों के मन में प्रश्न हो गया होगा, ऐसा थोड़ी होता है प्रभु जी झूठ बोल रहे हैं वहां बैठ बैठ के। ध्यान रखिए मैं यहाँ झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पर झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो भी सारे शब्द हैं ये शास्त्र के शब्द हैं, ठीक है,
ये भगवान राम के शब्द है। भगवान राम खुद हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिए हैं, तो भगवान राम झूठ बोलेंगे? तब बोलेंगे प्रभु हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो भगवान, आप लोग भगवत गीता तो पढ़ते नहीं है तो कैसे जानेंगे कि हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? इसलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। भगवान कहे क्या कहे? देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या। यह क्या है? इस जगत में एक पर्दा लगा हुआ है। किस चीज का? देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या, माया रूपी एक पर्दा लगा हुआ है। सुनने दीजिए उसे भी, सुनने दीजिए, है ना? देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या। और वह पर्दा क्या है? है तो बड़ी पतली सी लेकिन है बड़ी टाइट। तब तक आप लोग कहोगे, मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी फाड़ देते हैं उसको, हटा देते हैं, क्या लगाओ? नहीं हटा सकते खुद से उसको, हम लोग हटा नहीं सकते। कुछ लोगों ने हटाने का प्रयास किया, ब्रह्मा जी ने हटाने का प्रयास किया। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र छोटे थे, बोले ये छोटा बालक भगवान है क्या? ये देखो ग्वालों के साथ खा रहा है, क्या भगवान होगा? ये भगवान नहीं, अच्छा भगवान है, परीक्षा लेता हूँ। समस्त गायों को, समस्त ग्वालों को लेकर के चले गए। भगवान ने दिखाया, बेटा तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ, तेरा प्रकट मेरे से ही है। भगवान ने अपने शरीर से विस्तार कर दिया समस्त गौओं का और समस्त ग्वालों का। भगवान ने दिखाया, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आए फिर एकदम दंडवत हो गए, प्रभु प्रभु गलती क्षमा करो, क्षमा करो ब्रह्मा जी। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम वजामि, है प्रभु मैं आपकी भजन करता हूँ, मुझसे गलती हो गई। इतनी इतनी खतरनाक है माया, हम लोग खुद से नहीं हटा सकते। तब तक तो इंद्र आए, बोले ब्रह्मा जी पकड़ा गया होगा, अभी मैं जाऊंगा और तुरंत तुरंत ये छोटा बच्चा क्या करेगा मेरा? बारिश कराने लगे, भयंकर तूफान, भयंकर तूफान। इंद्र के सारे बादल सूख गए लेकिन भगवान का एक बाल भी बांका नहीं हुआ, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। और फिर इंद्र जो है सो भगवान के शरणागत हो गए। तो जो व्यक्ति खुद से हटाने का प्रयास करते हैं ना, वो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वही दूसरे। देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्या, माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। लेकिन जो व्यक्ति क्या कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है वह क्या होता है? उस माया को बड़े आसानी से, बड़े सुगमता से पार कर जाता है। और भगवान के शरण में आने का मतलब है भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना और भगवान को प्रणाम करना। तो कृपया माता जी लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें। यह अपराध होता है कथाओं में डिस्टर्बेंस का। तो भगवान श्री रामचंद्र, अन्य सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं, सभी लोग भगवान की कथा का श्रवण करने आते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त नदियां, जितने भी संगम हैं, वह सब यहाँ उपस्थित होते हैं। क्यों? भगवान की कथा सुनने के लिए। तो आप लोग भी बड़े सौभाग्य से, बहुत ही प्रेम से भगवान की कथा का श्रवण करने के लिए आए हैं। आए तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी लोग आए हैं उनकी बहुत श्रद्धा है, तभी वो आए हैं। और ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोग नहीं आ सकते। सुकृतेनम, जब किसी की बहुत स्वीकृति जमा होती है तभी वह भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कर सकता है, ऐसा हर कोई श्रवण नहीं कर सकता। तो ऐसे परम पवित्र भगवान की कथा, श्री राम कथा का श्रवण हम लोग आज यहाँ से करने वाले हैं।
और जो भी कथा शुरू होती है उसके लिए क्या होता है, एक स्थान होता है। कोई भी कथा क्या होती है, एक स्थान से शुरुआत होती है। जैसे भागवत कहां से शुरू होता है, नैमिषारण्य से। अब भागवत का पहला श्लोक देखें तो भागवत का पहला श्लोक क्या, नैमिषे नैमिषे क्षेत्रे, नैमिषारण्य से, नैमिषारण्य से वह कथा शुरू होती है। वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र की कथा शुरू होती है कहां से, कौन बता सकता है, कोई बता सकते हैं आपसे? हाँ, भगवान श्री रामचंद्र की कथा कहां से शुरू होती है, चलिए मैं ही बताता हूं। यह कथा शुरू होती है प्रयाग से। कहां होती है, देवराज प्रयाग से। तो आइए हम लोग मन ही मन प्रयाग चलते हैं, रामायण का राम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह कथा प्रारंभ होती है भारत भूमि के उस तीर्थ से, जिस तीर्थ में बहुत सुंदर भरद्वाज ऋषि रह रहे हैं। भरद्वाज नाम के ऋषि तीर्थराज प्रयाग में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग में रह रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में रह रहे हैं और तीर्थराज प्रयाग में माघ मास में अनेक ऋषि मुनि त्रिवेणी में स्नान करने के लिए पधारते हैं। आइए हम लोग मन ही मन गाते हुए तीर्थराज प्रयाग में चलते हैं, जहां पर बहुत सुंदर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयाग, भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। हमें गाते हुए अपने दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए भगवान के नाम का, आज हम लोग मन ही मन जा रहे हैं, आप लोग भी ताली बजाते हुए। बहुत सुंदर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है और वह कहां बसते हैं, प्रयाग। भरद्वाज ऋषि बस ही प्रयाग, ऋषि बसते हैं प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसते हैं प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसते हैं प्रयाग, भरद्वाज मुनि बस
सही पे आगा भरद्वाज मुनि बसहिं 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 पे आगा राम पद अति अनुरागा दीन राम पद अति अनुरागा तीर्थराज प्रयाग में माघ मास में अनेक ऋषि मुनि त्रिवेणी में स्नान करने और एक समय की बात कोई भी कथा हो Once upon a time, एक समय की बात, एक समय की बात, बहुत सारे ऋषि मुनि अनेक ऋषि मुनि उस तीर्थराग प्रयाग में स्नान कर आके त्रिवेणी में स्नान किए, अक्षय वट वृक्ष का दर्शन किए, परिक्रमा किए, वेणी माधव को प्रणाम किए और भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके। एक महीने तक समस्त ऋषि मुनि भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके हैं, समस्त ऋषि मुनि भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके और एक महीने के बाद सभी ऋषि मुनि आज भरद्वाज ऋषि के आश्रम से विदा ले रहे हैं। सभी ऋषि मुनि विदा ले रहे हैं, विदा ले रहे हैं और उसी समय जिस समय समस्त ऋषि मुनि विदा ले रहे हैं, एक ऋषि उन ऋषियों में से श्रेष्ठ जिनका नाम था आज्ञवल्क ऋषि, याद रखिएगा कल के लिए होमवर्क था, होमवर्क होगा, सॉरी था नहीं है, मैं अपनी कथाओं में कुछ होमवर्क भी देता हूं कि कुछ आपको याद तो हो जाए। भरत किस कौन से ऋषि के मुनि ऋषि के आश्रम में बसे हैं? भरद्वाज मुनि के आश्रम में। रहते कहां हैं? प्रयागराज में। उनमें से श्रेष्ठ कौन? तो आज्ञवल्क ऋषि। ध्यान रखिए, समस्त ऋषि मुनि भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करते हुए जा रहे हैं और उसी समय जब भरद्वाज ऋषि जाने लगे तो याज्ञवल्क मुनि उनके चरण को क्षमा चाहूंगा, जब याज्ञवल्क ऋषि जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि उनके चरण को पकड़ लिए, प्रणाम करते हुए कहते हैं, नाथ हे नाथ आप मत जाइए, जाग पलक मुनि परम विवेकी, 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 जाग पलक मुनि परम राखे पद के की, भरद्वाज राखे पद बोलनाथ हे नाथ आप मत जाइए, क्यों 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 नहीं, आखिर क्या बात है, आप सबको जाने दे रहे मुझे नहीं जाने दे रहे, आज आखिर दिक्कत क्या है? बोले महाराज, महाराज मेरे मन में एक संशय है, मन में एक संदेह है। याज्ञवल्क जी वहीं पर रुके, याज्ञवल्क जी वहीं पर रुके। बोले भरद्वाज जी आपके मन में संदेह, समझ में आ रही है ना आप लोगों को कथा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माता जी बताओ, आगे बैठे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया, इसलिए मैं बहुत साधारण सा कथा, बहुत साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ समझे। तो कहते हैं नाथ आप मत जाइए, मेरे मन में संदेह है। तो याज्ञवल्क जी कहते हैं कि भरद्वाज जी आपके मन में संदेह है, आप जैसे महात्मा के मन में संदेह, बताइए बताइए क्या संदेह है? भरद्वाज जी कहते हैं नाथ
यदि मैं आपको अपना संदेह बताऊं तो मेरी जग हंसाई होगी। और अगर ना बताऊं तो परम पद को प्राप्त ना कर पाऊं, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाऊं। क्योंकि शिष्य, क्योंकि शास्त्र में लिखा है शिष्य अपने गुरु से दुराव रखता है। कोई शिष्य, कोई स्टूडेंट अपने टीचर से दुराव रखता है, दूरी रखता है, तो वह परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः हे नाथ, आपको गुरु मानकर, आपको श्रेष्ठ समझकर मेरे मन में जो संदेह है वो संदेह आपसे पूछता हूं। कभी कभी भक्तों हम लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, कह रहे मेरे जैसा ज्ञान किसी को नहीं है, मैं बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूं। बोले हम सब कुछ जानते हैं, रामायण, भगवद गीता, महाभारत, भागवत सब जानते हैं, परंतु भक्तों हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत से जिनके अनंत अनंत मुख हैं, अनंत अनंत काल से भगवान के अनंत अनंत की कथाएं गा रहे हैं, लेकिन आज तक पूर्ण नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या पूर्ण करेंगे। लेकिन बोले महाराज मेरे मन में एक संदेह है, क्या हे राम अवधेश कुमारा, राम अवधेश कुमारा, कुमारा एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संचारा, दिनकर चरित विदित संचारा। प्रभु मेरे मन में एक संदेह है, क्या क्या संदेह है भरद्वाज जी बताओ। बोले एक वो राम है जो दशरथ के पुत्र है, एक राम वो है जो दशरथ के पुत्र है जिनके चरित्र सब लोग जानते हैं, और एक राम है जो अपनी पत्नी के वीरा में जंगल में भटक रहे। नारी बिरहु दुख लहे हूँ अपारा, नारी बिरहु दुख लहे हूँ अपारा, नारी बिरहु दुख लहे हूँ अपारा, भयहु रोस रण रावण मारा, भयहु रोस रण रावण मारा। एक राम दशरथ जी के पुत्र अपनी पत्नी के विरह में, एक राम दशरथ जी के पुत्र और एक राम जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, और इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि अपने रावण को मार दिया, रावण को मार दिया अपनी पत्नी। अगर जाना हो तो चुपचाप उठ करके चले जाएं, मैं आपको कल बताऊंगा कि अगर कोई कथा को अधूरी छोड़ के जाता है तो उसके जीवन में कितने अपराध लगते हैं, कल आप देखना। जाना हो तो शांति से जाएं, कथा डिस्टर्ब करके जाना बड़ा दुख का विषय है। कल से एक नियम बना लीजिए, जो कथा सुनने के लिए आते हैं, निवेदन है उनके चरणों में कि वो आगे आकर के बैठे, और जो लोग बस ड्रामा अथवा टाइम पास करने के लिए आते हैं वो लोग कृपया पीछे बैठ गए। मेरे लिए एक श्रोता काफी है, ध्यान रखिए, मेरे लिए एक श्रोता काफी है, बस वो श्रोता अच्छे से ध्यान पूर्वक कथा सुने, मैं उनको सुना सुना कर पूरी कथा कर सकता हूं।
हजार श्रोता नहीं चाहिए, बस एक श्रोता अच्छे। तो इस प्रकार से एक राम जो दशरथ के पुत्र हैं, और एक राम कौन जो सीता के पति हैं, जो उनके विरह में रो रहे हैं। आखिर ये है कौन, ये दोनों कौन है वास्तव में, राम कौन है प्रभु? भारद्वाज जैसे ऋषि यह जिज्ञासा कर रहे हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि तुरंत समझ गए क्या। बोले भरद्वाज, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, समझ गया हूँ, तुम्हारी चतुराई समझ गया। डारे लागे पूछी जने साधु ने स्वभाव, जानते हुए भी किसी चीज को अपने गुरु से पूछना यह साधुओं का स्वभाव है। भगवान के विषय में जानते हुए भी पुनः अपने गुरु से पूछना यह साधु का स्वभाव। भगवान के विषय में जानने की इच्छा, और हमारी क्या इच्छा है देखिए, आधे घंटे पहले घर से निकले और 15 मिनट पहले घर पे चले जाना है, और हम कहते हैं अपने आप को क्या कहते हैं, क्या क्या नाराज बजा रहे थे आप लोग डीजे पे, मैं सुन रहा था वहां पे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या वास्तव में हम हिंदू हैं, सनातन हैं? अगर कथा के प्रति, भगवान का की कथा के प्रति प्रेम न हो तो ये साधुओं का स्वभाव है, निरंतर भगवान के विषय में सुनते रहना, ये साधुओं का विषय है, जानने की जिज्ञासा करना। क्योंकि इस संसार में गुरु मुख पद्म वाक्य चिते दे करिए एक, गुरु के मुख से, साधु के मुख से, वैष्णव के मुख से निकला गया वाक्य ही क्या करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है। तो हे प्रभु, आप राम के विषय बताइए, बताइए ना, राम कौन है, कौन है राम? भरद्वाज ऋषि की जिज्ञासा को जानकर याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं, वही वट 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 वृक्ष के नीचे बैठ गया, बैठ गए, और एक चबूतरा बहुत सुंदर बना था, और जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, सभी ऋषि मुनि बैठ कर गए और याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न क्या था बताइए ना प्रभु, राम कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं राम कौन है तो क्या उत्तर होगा, कौन है राम बताइए, कौन है राम? हाँ, कौन है राम? नहीं पता, वही मेरे बगल में जो रहता है, सवेरे सवेरे दोनों स्कूल के साथ में ही जाते हैं, कौन है राम? हाँ, ऐसा कैसे चलेगा, मैंने पहले ही बताया, आप भी बताओ मैं भी बताऊंगा, कौन है राम? भगवान है राम। कौन है, है ना, ध्यान रखिए, है कि नहीं है, कि कोई डाउट है आप लोगों को, बताओ बताओ, कोई डाउट होगा सोच लेना, ब्रह्मा का क्या हाल हुआ, इंद्र का क्या हाल हुआ, हम तो तिनके की भी समान नहीं है, तो हमारा क्या हाल होगा? कुछ भी नहीं है ना, शक नहीं, कोई संदेह है आप लोगों को? एक स्वर में आवाज आनी चाहिए, कौन है राम? दो लोग बोले, कौन है राम? इतना कम आवाज क्यों है? राम कौन है? कोई शक नहीं, होना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ा अपराध। राम कौन है? भगवान, याद रखिए हमेशा। तो प्रभु बताइए ना, राम कौन है? और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ही भगवान है। भरद्वाज जिज्ञासा को जानकर याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं, और याज्ञवल्क्य जी भगवान श्री रामचंद्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं,
कि तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और इस प्रश्न से सभी व्यक्ति का मोह जो है सो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना? क्या कहते हैं याज्ञवल्क जी, ये मोह कैसा है? संदेह कैसा है? महिषासुर के समान जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। और ये राम कथा कैसा है? दुर्गा देवी के समान जो महिषासुर मर्दनी है, हमारे मोह को नष्ट करने वाले। इसलिए ये पूरी राम कथा सुनाने के बाद कागभूषणी जी ने गरुड़ जी से पूछा कि गरुड़ जी अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? तो गरुड़ जी ने बताया क्या, गय मोर संदेह, मेरे मन में कुछ संशय था लेकिन सब क्या हुआ, समाप्त हो गया। शिव जी ने यही प्रश्न स्तुति को किया, पार्वती को किया राम कथा सुनाने के बाद। तो क्या कहते हैं, मीट मोह सर तातक भारी, हिनाथ मेरा मोह मिट गया। भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन अब बताओ कैसा लग रहा है, तो कहते हैं नष्ट मोह स्मृति लब्धा, हे प्रभु मेरे मन से क्या हुआ, मोह खत्म हो गया, संशय खत्म हो गया। क्यों? संशय आत्मा विनश्यति, संशय अगर हमारे हृदय में रह जाए तो वह हमारा विनाश करा देगा। तो अतः यह भगवत कथा जो है, राम कथा जो है, भगवान की कथा जो है, वह संशय का निवारण करने वाला है, निवारण करने वाला। सुनो भरद्वाज जी, तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाऊंगा, एक इतिहास सुनाऊंगा। बोले वो इतिहास कुछ नहीं, भोलेनाथ और पार्वती के बीच में हुआ क्या है, संवाद है। तुम्हारा सारा मोह नष्ट हो जाएगा। बोले ये देवी पार्वती की कथा सुनाने से पहले, देवी पार्वती और भोलेनाथ के मध्य की कथा सुनाने से पहले तुम्हें मैं देवी पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताऊंगा। तो कहते हैं देवी पार्वती पूर्व जन्म में कौन थी, आप जानते हैं? सती। वेरी नाइस, गुड गुड। देवी सती। अब देखिए क्या कह रहे, एक जुग माही एक भार त्रेता कहते हैं एक समय की बात, कौन से समय की बात है, तो त्रेता युग, कौन से युग की बात है, त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में शिव जी अपने कैलाश धाम से उतर करके, कैलाश से उतर करके कुंभज ऋषि के पास गए, कहां गए, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए हूं कुंभज ऋषि पर, संग सती जग जननी भवानी, 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 जग जननी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी,
एक समय की बात शिव जी ब्रजवासी के पास गए और क्यों गए क्यों गए कथा सुनने के लिए क्यों गए कथा सुनने के लिए गए कौन सी कथा था? तो इंडिया ने पाकिस्तान को कैसे हराया कौन सी कथा कौन सी कथा सुनने के लिए गए सच बोल रही है मुझे तो लग रहा था वही कथा होगा पाकिस्तान और इंडिया का मैच या फिर वो पबजी वाला कुछ कि पबजी में कैसे मारते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम की कोई बात करने गए होंगे ऐसा नहीं क्यों गए राम कथा श्रवण करने के लिए गए और संग सती जग जननी भवानी कैसे गए अपने साथ अपनी पति अपनी पत्नी किनको सती को लेकर के गए अपनी पति को साथ में लेकर के गए और शिवजी और सती ये दोनों बड़े उत्साहित होकर के कथा सुनने के लिए गए देखिए शिवजी महान भक्त हैं भगवान के महान भक्त क्या कहते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो वह कौन है भोलेनाथ रात दिन जो कथा सुनते रहते हैं रात दिन जो भगवत कथा सुनने की इच्छा रखते हैं शिव जी के जीवन से हमें एक उपदेश अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए क्या चाहे हम कितने भी श्रेष्ठ हो चुके हों परंतु भगवत कथा सुनना भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री राम की कथा को सुनना कभी जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए कभी और एक आदर्श स्थापित किया भोलेनाथ ने कि जब भी हम ऐसे राम कथा ऐसे भगवत कथा में जाएं किसी अनुष्ठान में जावें तो गृहस्थों को चाहिए कि अकेले नहीं जाएं किनको साथ में लेकर के जाएं अपनी पत्नी को लेकर के जाएं ये भोलेनाथ से सीखना चाहिए हमें है ना तो जो जो माता जी लोग आज अकेले आई है ना वह कल से अपने पति को जरूर साथ में लेकर के आइएगा ठीक है और जो प्रभु जी मतलब जो पुरुष अकेले आए हैं वह अपनी पत्नी को जरूर लेकर के आए अब जिनकी नहीं है उनको लाने की जरूरत नहीं है है ना लेकिन जिनकी है वो जरूर लेकर के आओ ठीक है अब जो जिनकी नहीं है वो भी लाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ठीक है लेकिन जिनकी है वो अवश्य लेकर के आवे ये हमें सीखना चाहिए भोलेनाथ से कोई मजाक नहीं है ध्यान रखिए हम भोलेनाथ के जीवन में देख हम चाहते ना कि हमारे जीवन में सब अच्छा हो गृहस्थ जीवन में अच्छा चले तो चाहिए गृहस्थों को कि वह दंपति बन करके आवे और कथा सुने है ना और नहीं तो फिर वही दंपत्ति वाली हाल हो जाती है कैसी मालूम है भौतिक जीवन में जो दंपत्ति होते हैं मालूम है किसी ने पूछा कि दंपत्ति किसको कहते हैं दंपत्ति किसको कहते हैं तो किसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जो काम करा करके काम करा करके काम करा करा के अपने पति की दम निकाल दे वो है दंपत्ति तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थिति हमारी ना बने तो जरूर अपने पति और पत्नी दोनों एक साथ आवे और कथा सुने अब यहाँ अलग अलग बैठे हैं जरूरी नहीं है कि साथ में बैठे अलग ही बैठिए कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा कल दरी बड़ा कर दिया जाए क्योंकि फर्स्ट डे है तो आज इतने श्रोता हैं पूरा पंडाल आपका भरा पड़ा है तो कल से तो और बढ़ जाएगा ये दोनों साइड और दरी फैलवा दीजिए और ये भगवान की कथा की महिमा है कि दिन ब दिन जो होती है ना लोगों की संख्या बढ़ते जाती है
इस संसार में, इस जगत में कोई चीज कार्य करेंगे आप तो उसके प्रति रस खत्म होते जाता है, है ना? जैसे कोई फिल्म लगती है, पहले दिन हाउसफुल, दूसरे दिन दो चार कम था, तीसरे दिन आठ दस कम हुआ, चौथे दिन दस पंद्रह, पांचवें दिन पंद्रह बीस, पांच 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 पर घटते जाता है और फिर बाद में पता चलता है हाउस में कोई है ही नहीं। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, आप अनुभव करना, हमारा तो अनुभव है ही, हम तो जाते ही हैं हर जगह, देखता ही हूँ, लेकिन आप देखिएगा, ये आपके गांव की कथा है, आप देखिएगा आज कितने लोग हैं और कल कितने लोग रहेंगे, परसों कितने लोग रहेंगे और सातवें दिन देखिएगा, मेरा ऐसा विश्वास है कि पूरा ये आप भर जाएगा, है ना? ये इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये भगवान की कथा की महिमा है, बढ़ता ही जाता है। आपको अगर एक गुलाब जामुन खिलाया जाए बड़ा अच्छा लगा, दो गुलाब जामुन ठीक है, तीसरा चलेगा, चलेगा, चौथा ठीक है दे दो, पांचवा नहीं नहीं अब ओवर हो रहा है, छठा नहीं यार अब नहीं चाहिए, सातवां अब चाहिए नहीं, आठवां नहीं अब मत दो। लेकिन भगवान की कथा एक ऐसा स्वादमय है, एक ऐसा रस भरा कथा है जिसे जितना पिए जितना पिए जितना पिए उतना स्वाद और क्या होता है बढ़ते जाता है। आप अनुभव करना, आज पहले दिन में कुछ अद्भुत लोग तो नहीं आ रहे हैं, आप लोग उधर क्यों देख रहे हैं, कथा पे कॉन्सेंट्रेट करिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा, मैं बोलता रहूंगा और फिर आप नहीं सुनेंगे, वैसे ही हो जाएगा। कैसा? जैसे गंगा के तट पे कोई प्यासा मर जाए, गंगा नदी बह रही है जल उठा करके पी लो, नहीं 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 मैं तो चलता रहूंगा और चलते चलते प्यासा मर गया, है ना? तो सुनो कथा ढंग से, बाद बाकी बाद में आप देख लेना, 24 घंटा है आपके पास देखने के लिए एक दूसरे को। तो भगवान की कथा बहुत रसमयी है जिसका स्वाद दिन ब दिन बढ़ते जाता है, और आप देखना सातवें दिन तक क्या स्थिति हो जाएगी आपकी, कितने आनंद होंगे आप, बहुत अद्भुत होती है। तो क्या सीखा हमने? अकेले नहीं जाना है, किसके साथ जाना है? अपने अपने पति अथवा पत्नी के साथ, ठीक है? जरूर लेकर के आ रहे हैं। और कल से दो बनाइए, एक साइड प्रभु जी लोगों के लिए, एक साइड माता जी लोगों के लिए, तब ठीक रहेगा। तो शिव जी अपनी पत्नी को लेकर के बहुत सुंदर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं। अब रामायण देखें तो एक से एक सिद्धांत हमारे जीवन में। अब आप देखिए कि भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? उत्तर में, कहाँ पे? कैलाश लोक में। कैलाश लोक कहाँ है? एकदम, अब भारत का मानचित्र देखें तो सबसे ऊपर उत्तर दिशा में रहते हैं। कुंभज ऋषि कहाँ रहते हैं? दक्षिण दिशा में, एकदम सबसे अंत में। अब सोचिए कि कथा के प्रति भोलेनाथ का कितना प्रेम है, कि कितना किलोमीटर होगा, कोई अगर पढ़ाई की होंगे तो बता सकते हैं भाई कितना, 3-4 हजार किलोमीटर तो होगा, 3000 तो होगा मैक्स, जितने भी हो उतना हजार किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं भोलेनाथ। क्यों? राम कथा सुनने के लिए। हमें क्या करना है? ना 1000 किलोमीटर चलना है, ना 500 किलोमीटर चलना है, ना 2 किलोमीटर, ना 10 किलोमीटर, बस यही बगल में हमारा घर है, अपने अपने घर से निकलना है और इस कथा पंडाल में पहुंचना है और भगवान की कथा का श्रवण करना है। ये भोलेनाथ से सीखना चाहिए हमें। अगर हम सुखमय एक आनंदमय जीवन चाहते हैं तो, और नहीं तो चाहते हैं फिर वही लड़ाई झगड़ा होते रहे, कचकच होते रहे, तो खैर आपकी इच्छा है। लेकिन अगर हाँ भगवान की कथा में आएंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, तो आप निश्चित आपका उद्धार होगा, आपके परिवार का उद्धार होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो कितने बजे तक कथा करनी है? 10 बजे तक? ठीक है, तो आज भोलेनाथ आप लोग याद रखिए कि भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं और बहुत सुंदर
कुंभज ऋषि को प्रणाम करके कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आगे की कथा हम लोग कल से श्रवण करेंगे और कल से कथा ससमय शुरू हो जाएगी। आज प्रथम दिवस था तो थोड़ा सा व्यवस्था में आप जानते ही हैं, पहले दिवस में होती ही है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। और आज कथा विलंब से शुरू हुई लेकिन कल कथा कितने बजे, समय क्या है? पांच से भजन कीर्तन, छह से कथा। पांच बजे से भजन कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा और ठीक छह बजे भगवान की कथा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग आइए और सभी लोगों को अच्छे से प्रचार करिए, सभी लोगों को बताइए कि भगवान की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है। और एक बात, एक चीज हमने देखा जो हमने यहाँ पे नोट किया कि लोगों में कथा में सेवा करने की भावना नहीं है। मैं देख रहा हूँ केवल कुछ लोग ही, वरुण प्रभु हैं, इनके कुछ रिलेटिव, इनके कुछ मित्र, बस क्या दो चार दस लोग ही है गांव में? गांव में तो बहुत सारे लोग हैं और सबका कर्तव्य है कि वह इस कथा को मिल करके बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन करे। अब ध्यान रखिएगा एक चीज, ये मैं आज बता रहा हूँ और आप बाद में महसूस करेंगे, क्या कि इस कथा में किया गया एक-एक चीज, एक-एक छोटा सा छोटा चीज, यहाँ तक कि जिसने कांटी भी मारी है, एक कांटी भी जिसने पंडाल में मारा है, उसको भी भगवान याद रखेंगे। एक-एक चीज, जिसने एक-एक बालू को सही किया है ना, ध्यान रखना आप, ठीक है, भगवान एक एक चीज याद रखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे भक्तों का एक्सपीरियंस है, गजेंद्र जी का, थोड़ी सी भक्ति किए थे और भगवान बहुत दिन तक याद रखे। द्रौपदी ने अपनी चुन्नी का थोड़ा सा पट्टा बांधा था, अपनी चुन्नी को फाड़ करके, कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, एक बित्ता होगा। भगवान ने कितनी साड़ियां रिटर्न की याद करिए, दस दस हजार हाथी का बल रखने वाला दुशासन फेंद का उल्टी कर करके बेहोश हो गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी नहीं खुली। ध्यान रखिए, हम जो भी भगवान के लिए करते हैं भगवान उसको कभी नहीं भूलते। कान खुल करके एकदम सुन लीजिए उसको, भगवान कभी नहीं भूलते हैं उसको। एक एक चीज, यहाँ पे जो झाड़ू लगा रहा है, जो इसको साफ कर रहा है, अथवा जिसने पंडाल बनाया, जिसने यहाँ पे लाइट लगाई, सबको भगवान याद रखते हैं। हाँ, मेरी कथा थी मनियापुर में और इन लोगों ने ये सेवा की थी और ये भी याद रखते हैं। हाँ, ये कथा में इनको मैनेजमेंट वाले बोले थे ये सेवा करना है, लेकिन ये महुआ बीच में चला गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, ध्यान रखिएगा, भगवान याद रखते हैं। ठीक है, और नहीं तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि भगवान एक एक चीज को याद रखते हैं, थोड़ा सा भी नहीं भूलते। हम तो कल क्या खाए शाम को हमें याद नहीं होगा, लेकिन भगवान को एक एक दिन का, एक एक समय का याद रखता है। भगवान गीता में कहते हैं, यही दुर्भाग्य है अर्जुन कि मैं सब कुछ, सबका सब कुछ याद रखता हूँ, लेकिन सब लोग मिल करके भी मुझे याद नहीं रख पाते हैं। याद रखिएगा, इसलिए बढ़ चढ़ कर सहायता करिए, जो सेवाएं हैं उसको सही समय पर करिए। हर एक चीज सेवा है, आप ध्यान रखिए, हर एक चीज सेवा है, कोई भी चीज कर रहे हैं आप, और यह एक यज्ञ से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञान यज्ञ जो है सो द्रव्य यज्ञ से क्या है, बड़ा है। मैं आपको श्लोक बता दूंगा, श्लोक संख्या बता दूंगा, आप जाकर के देख लेना भगवद गीता में, अगर विश्वास ना हो तो। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ओम स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ होता है ना, उसे लाखों गुना बड़ा होता है। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ, जहां पर भगवान की कथा का ज्ञान दिया जाता है, है ना। तो बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, आप लोग वरुण जी से संपर्क करें और नाम नहीं जान रहा हूं मैं, इनसे संपर्क करें,
और सेवा में बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। ठीक है, ठीक है, बादमा की कार्य तो आप बाद में भी कर सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा दो दो घंटा सब लोग देंगे ना, तो कथा बहुत सुंदर तरीके से होगी और भगवान परम प्रसन्न हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि बढ़ चढ़ कर भी सेवा करिए। माता जी लोग भी सेवा कर सकती हैं, उनके लायक जो सेवा है उनको दीजिए झाड़ू मारने का। आप चीज और भी ध्यान रखिए, ये जो झाड़ू मारने की सेवा अगर मिल रही है ना, छोटी सेवा नहीं है, छोटी सेवा नहीं है। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के आंगन में झाड़ू लगाने के लिए मरती हैं, मरती हैं, विश्वास करिए। हमारे इस्कॉन टेंपल पुणे में, पुणे की घटना, एक बहुत बड़ा इंजीनियर और उसके पिताजी भी कोई पॉलिटिशियन थे, अच्छे बड़े, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन बहुत बड़े वो अमेरिका में इंजीनियर थे, और उन्होंने हमारा इस्कॉन टेम्पल पूना ज्वाइन किया। और जब ज्वाइन किया तो टेम्पल के जो मैनेजर थे, जो कमांडर थे, उनसे पूछे कि मेरे लिए कोई सेवा है, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि अभी आपके लिए कोई सेवा नहीं है, कोई सेवा स्लॉट खाली नहीं है। कुछ दिन के बाद मंदिर में जो पोछा लगा था ना, वो कहीं चला गया, कहीं गया होगा। मंदिर के मैनेजर को पता चला, बोला अरे ये स्लॉट खाली हो गया है, उस लड़के को बुलाओ जो अभी अभी ज्वाइन करा है। उसको बुलाया गया कि आप ये सेवा करोगे। बड़ा श्रेष्ठ भक्त था, तुरंत स्वीकार कर लिया। और जब भगवान के आंगन में पोछा लगाने लगा ना, रोने लगा, रोने लगा। तो टेम्पल मंदिर के जो मैनेजर थे, प्रबंधक थे, उनके पास गए और कहे कि बेटा मुझे मालूम है तो बहुत बड़े परिवार से है, तेरी क्वालिफिकेशन जो है सो बहुत बड़ा है, तू आईआईटीएन है मैं जानता हूँ, तेरी नौकरी भी बहुत बड़ी थी बेटा, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास कोई सेवा ही नहीं है। अगर ये सेवा करनी है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा। तो वो क्या कहते हैं मालूम, नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं छोटी सेवा कर रहा हूँ अथवा पोछा मारना पड़ रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान ने इतना देर क्यों कर दी मुझे अपनी सेवा में लगाने के लिए। अरे वो इतनी देर क्यों कर दी, सोचिए। और हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, और फिर भी हम सोचते हैं हम बहुत महान है, हम झाड़ू मारेंगे पंडाल में, बाप रे बाप। चलो ठीक है, तो आप सभी लोग आइए, अच्छे से साफ करिए, दरी बिछाइए और भी फैलाइए। ग्रीन कॉलेज में भी बहुत सारी सेवाएं हैं, वहाँ भक्त लोग आए हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी सेवाएं हैं, आप लोग आकर के वहाँ भी सेवा कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये सेवा का अवसर ध्यान रखिए बार बार नहीं मिलता है, ओनली 7 days, 7 दिन के लिए ही ऑफर है, फिर खत्म। समय है अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रपात की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सभी भक्त खड़े हो जाए और बताए कुछ बोलेंगे। और आवश्यक सूचना कि सभी बहुत दुख हो जाएगा, वहाँ पे जो हॉल है उसमें कोई दिक्कत हॉल तो काफी बड़ा है। बहुत लोग मेरे ख्याल से नहीं है कि जुटेंगे, ठीक है। तो सवेरे 7 बजे आरती का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं, ग्रीन कॉलेज में ही जो हॉल है वहीं पे रखा गया है, आप लोग आइए। बहुत सुंदर मंगला आरती का कार्यक्रम रखा गया है, हम लोग मंगला आरती करेंगे, नरसिंह आरती करेंगे और तुलसी महारानी की आरती करेंगे। अभी रामायण जी की आरती लेकर के ही जाएं, देखिए इतने देर रुके हैं आप, बिना आरती लिए वे नहीं जाना चाहिए। और सभी भक्त मिलकर आरती करेंगे, सभी लोग आगे आ जाए। और कुछ बोलो,
ठीक है नहीं नीचे से ही आरती करेंगे वहीं से यहाँ से फिर कैसे दिखाएंगे आरती कैसे करेंगे आरती वहीं से होगा ना यहाँ पे राम नहीं नहीं उल्टा हो जाएगा ना आरती सामने से ना होगी रामायण जी की आरती यहाँ लोग वहाँ पे खड़ा रहेंगे या फिर ये साइड दोनों साइड से नीचे से ही लेकर ये बहुत नजदीक दो चार लोग ज्यादा नहीं बाकी देखते जाते ठीक है जिन्हें आरती करनी है हरे कृष्णा तो आज की कथा से हम लोग आज क्या सीखे आज की कथा से हरे कृष्णा आज की कथा हम लोग क्या